नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू फोर्सिस एक्टिंग एट अ पॉइंटीन न्यूटन इफ द रिजल्टेंट फोर्स एट न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स देन द फोर्स आर ऑप्शन है सिक्स टेन फोर ट्वेल्व एट एट या फिर टू फोर्टी न्यूटन अलग अगेन थोड़ा सा मैथामेटिकल जाएगा यह सवाल uh, मुश्किल नहीं है अपने को पहली गिवन कंडीशन यह है कि ए प्लस बी नॉट द वैक्टर सम बट उनके मैग्नीट्यूड का सम ए और बी के मैग्नीट्यूड का सम सिक्सटीन है दिस इज इक्वेशन नंबर वन दूसरा ये दिया हुआ है कि उनके बीच का जो एंगल है आपका जो रिजल्टेंट आ रहा है दोनों का रिजल्टेंट एट न्यूटन है और एट द सेम टाइम उनका रिजल्टेंट का जो एंगल है वो मिनिमम जो फोर्स है उनमें से उसके पर पेंडिकुलर है नाउ जो आपका रिजल्टेंट फोर्स आता है उसको हम लिखते हैं उसका एंगल टैन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा नाउ ये इसकी वैल्यू आपने दी है अपने को दी हुई है टेन नाइन्टी सो एल्फा नाइन्टी है सो दिस इज इक्वल टू टेन नाइन्टी डिग्री टेन नाइन्टी डिग्री का मतलब ये है कि दिस की वैल्यू जीरो होगी विच एम्प्लाइज ए प्लस बी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू जीरो विच एम्प्लाइज कॉस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बी ये अपनी सेकेंड इक्वेशन हो गई ना Uh, हमें ये एक और चीज़ दी हुई है कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वैक्टर uh, एडिशन जब करते हैं दैट इज इक्वल टू एट ना रिजल्टेंट का मतलब क्या है हम कह रहे हैं ए स्क्वायर सॉरी ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इज इक्वल टू एट इनका रिजल्टेंट है इसको हम वैक्टर फॉर्म में लिखे हैं सो वी कैन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉ सीटा इज इक्वल टू एट का स्क्वायर सो दिस इज हाउ वी कैन राइट रिजल्टेंट इन दोनों का इज इक्वल टू एट स्क्वायर नाउ कोसीडाई की वैल्यू माइनस ए बाय बी है उसको अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें सो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए बाय बी बी से भी कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू एट का स्क्वायर बी से भी कैंसिल हो जाएगा ये बन जाएगा टू ए स्क्वायर सो अपनी फाइव ये इक्वेशन बन जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एट स्क्वायर सो दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर थर्ड राइट ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इन दोनों का सम जो है वो आज सिक्सटी है इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो एट है इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा अगर अपने चार ऑप्शन पे आप ध्यान देंगे तो भी यहाँ पे आंसर आपको एग्जाम हॉल में बता रहा हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी दिख जाएगा चारों ऑप्शन जो है उनका अगर आप सम करेंगे तो सिक्सटीन आ रहा है लाइक सिक्स टेन फोर ट्वेल्व एट एट और टू uh, फोर्टीन उनका सम सिक्सटीन है तो ये तो चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं लेकिन आप बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज टू एट करेंगे सो so, वो ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर ए जो है आपका विच इज टेन ओ सिक्स वो सेटिस्फाई कर रहा है सो बेस्ड ऑन दैट हम कह सकते हैं ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर पर इसको जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट टू सॉल्व एवरी तो इसको हम सॉल्व करना चाहें तो यहां से आप b की वैल्यू इसमें सब्सिट्यूट कर सकते हैं b को लिख सकते हैं सिक्सटीन माइनस ए उसको अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे सो इट विल बी सिक्सटीन माइनस ए का स्क्वायर uh, यहाँ मैंने सब्सिट्यूट कर दिया माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एट का स्क्वायर ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी नॉ इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे सो दिस विल बी सिक्सटीन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू इन सिक्सटीन ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एट स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसल हो जाएंगे सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है ए स्क्वायर कैंसिल हो गए uh, इसको अगर उधर ले जाएं सो दिस विल बी सिक्सटीन स्क्वायर माइनस एट स्क्वायर विल बी इक्वल टू थर्टी टू ए ना विच एम्प्लाइज ए की जो वैल्यू है ए विल बी इक्वल टू सिक्सटीन स्क्वायर माइनस एट स्क्वायर डिवाइड बाय थर्टी अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 16 का स्क्वायर उसमें से 8 का स्क्वायर माइनस करके करने की ज़रूरत नहीं इसमें से अगर आप 32 टू कॉमन ले लेंगे सो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू ए की वैल्यू आ गई इसमें से सिक्सटीन uh, में से अगर हम सिक्सटी इंटू सिक्सटीन है उसमें से अगर हम थर्टी कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा थर्टी टू और अंदर बचा आपका सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन है वो बचा आपका एट माइनस ये है एट इंटू एट उसमें से अगर आप थर्टी टू कॉमन लेंगे आ, तो बचेगा टू डिवाइडेड बाय थर्टी टू सो ए की वैल्यू हो गई सिक्स सो ए की वैल्यू सिक्स हो गई अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आपको बी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी टेन बी की वैल्यू यहाँ से भी टेन आ जाएगी सो दिस इज दिस मीन्स ऑप्शन नंबर ए is the correct answer.